इस वीडियो में आप ये जानने वाले हो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा सवाल कौन पूछता है, और एक ऐसा समय था जब दुनिया में मौजूद सारी चींटियों का वेट हम इंसानों के बराबर था, और एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक नहीं बल्कि दो बार परमाणु हमले में बचा था, और साथ ही साथ एक ऐसे पुलिस के बारे में जो कि कलहंस है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि सबसे ज़्यादा सवाल कौन पूछता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स या डॉक्टर या फिर कोई साइंटिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर है एक बच्चा। 2013 में एक रिसर्च के अनुसार छोटे बच्चे हर दिन ऑन एन एवरेज 300 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि हर 2 से 2.5 मिनट में एक सवाल। और इस चीज़ को इनफैक्ट आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। नंबर 2, आमतौर पर हम लोग शेर या बाघ को देखकर यह समझते हैं कि चीता भी दहाड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, चीता दहाड़ नहीं सकता है, लेकिन वो इसके बजाय हमारे घरेलू बिल्लियों के समान कुछ हरकतें करता है, जैसे कि वे गड़गड़ाहट, मियाओ या फुफकार सकता है। नंबर 3, बेनिन मध्य अफ्रीका का एक देश है जो दुनिया में जुड़वा बच्चों की सबसे अधिक जन्म दर के लिए पॉपुलर है। जहाँ दुनिया का औसतन 1000 जन्म पर सिर्फ 13वां जुड़वा है, वहीं बेनिन उस दर से दुगना है। यहाँ पे प्रति 1000 जन्म पे लगभग 30 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। आज तक ऐसा कोई भी कारण पता नहीं चल पाया है जो इसका सटीक कारण हो, लेकिन जेनेटिक डाइट और यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने वाली माँ की हाइट का कुछ हद तक रीजन बताया जाता है। नंबर 4, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसा होने का बहुत सारा रीजंस में से एक है इसका सिंपलिसिटी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 अल्फाबेट्स हैं, और इन सभी में से सबसे कॉमन है लेटर ई। जैसा कि आप कुछ सेंटेंस लिखिए, कुछ भी, अब आप ये देखने की कोशिश करिए कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि आप ई अल्फाबेट्स बहुत देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वोवेल ई इंग्लिश लैंग्वेज के सभी शब्दों के लगभग 11% में दिखाई देता है। इसके बाद लेटर ए है जिसका प्रोबेबिलिटी लगभग 8.5% है, और सबसे कम है लेटर क्यू का जो कि 0.2% है। नंबर 5, चिंपांजी और गोरिल्ला में इंसान के समान उंगलियों के निशान होते हैं, और ऐसा कोआला के साथ भी है। रियलिटी में कोआला की फिंगरप्रिंट्स हम इंसानों की फिंगरप्रिंट से बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसे एक मुश्किल भी है इनका क्राइम करने के इस्तेमाल को लेकर। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात है, लेकिन अभी तक किसी भी कोआला को इंसानों ने अपने क्राइम के लिए तैयार नहीं किया है, लेकिन हम यह बात से भी वेल नोन है कि यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। नंबर 6, दोस्तों आपने पुलिस में कुत्ते के इस्तेमाल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या पुलिस के कलहंस के बारे में आपने सुना है? 2013 तक चीन के एक ग्रामीण क्षेत्र में 12 पुलिस स्टेशनों ने कलहंस का यूज गार्ड के रूप में शुरू कर दिया है। गीज बहुत ही सतर्क जानवर है, और जैसा कि आप शायद जानते होंगे, यह बहुत शोर और हंगामा पैदा करता है, जिसका चीनी कानूनी अधिकारी फायदा उठा रहे हैं। वहां के पुलिस का दावा है कि गीज ने कई चोरी की घटना को नाकाम किया है और चोरों को पकड़ने में काफी मदद दी थी। नंबर 7, यह एक विश्व रिकॉर्ड है जिसे आप शायद अजमाना नहीं चाहेंगे। करीब 70 मील प्रति घंटे से ट्रैवल कर रही कार ने मैथ्यू मैकनाइट, जो कि एक ऑफ ड्यूटी नर्स थी, उन्हें टक्कर मार दी थी। उनके साथ ऐसा तब हुआ जब उन्होंने एक एक्सीडेंट हुए प्लेस पे मदद करने के लिए उतरी थी, लेकिन बस उसी समय कार ने टक्कर मारकर उन्हें 118 फुट दूर फेंक दिया, जो कि लगभग आधा फुटबॉल का मैदान जितना दूर था। उनके डॉक्टर एरिक ब्रैडर ने मैकनाइट से कहा कि उन्हें इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजना चाहिए, लेकिन मैकनाइट ने इसे मजाक के रूप में बताया। लेकिन ब्रेडर इस कर्तव्य से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दिया, जिसे 2003 में मंजूरी मिल गई और ये इवेंट रिकॉर्ड बन गया। नंबर 8, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम जापान पे गिराए थे, और इस हमले में सुतोमु यामागुची नाम के शख्स बच गए। 6 अगस्त 1945 को बिजनेस के लिए हिरोशिमा भेजे गए यामागुची ने देखा कि अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका सिर्फ हाथ और चेहरा जलकर रह गया और वे जिंदा बच गए। इसके बाद वे अपने घर वापस गए, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि
3 दिन बाद जब दूसरा परमाणु बम गिराया गया तब उनका परिवार उन्हें लेकर इलाज के लिए घर से दूर गए हुए थे, जिससे वे और उनका परिवार चमत्कारिक ढंग से बच गया। यामागुची पहले शख्स बन गए जो 2 परमाणु बम के चपेट में आने के बाद भी बच गए। सच में यामागुची बहुत ही भाग्यशाली थे। नंबर 9। BBC के अनुसार एंट्रोमोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि दुनिया में कम से कम 1 मिलियन ट्रिलियन कीड़े हैं और उनमें से केवल 1% चींटियां हैं, यानी कि लगभग 10,000 ट्रिलियन। और अगर आप उन सभी चींटियों को लेकर एक विशाल तराजू पर डाल दें तो आप दुनिया के सभी लोगों को दूसरे पर रखकर दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यह शायद आज संभव नहीं हो, क्योंकि एट प्रेजेंट हम इंसानों की पॉपुलेशन काफी बड़ी है। लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2000 साल पहले ऐसा हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का फैक्ट जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही साइंटिफिक एंड रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।